देश है, ओवरऑल वो एक कॉन्जर्वेटिव इलाका है, तो इसमें मुझे नहीं लगता सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम किसी को होती है। क्योंकि पहला चॉइस अगर आप बॉयज के केस में भी ले लें, क्योंकि आजकल लड़कों को लेकर बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज होती है, तो उस केस में भी भांगड़ा शरीफ एकदम फिट बैठता है, और लड़कियों के केस में भी है। और फिर रही कैंपस की बात, तो हमारा जो कैंपस है वो पूरा मॉनिटर्ड है बाय क्लोज सर्किट टेलीविजन, जो बिल्कुल हमारे प्रिंसिपल चेयरमैन से लेकर मतलब डाउन डाउन जो भी बॉडीज आती है उन तक मैनेजेबल है। बांग्लादेश का जो इंडिया से बहुत सिमिलर है, वेरी सिमिलर है, एंड द पासिंग रेट ऑफ दिस बांग्लादेश इज वेरी हाई इन द एमसीआई। ओके, सो दिस दिस इज वेरी प्रेफर टू टेक इन टू बांग्लादेश। तो हमारे सारे टीचर्स प्रोफेसर से लेके हर लेक्चरर तक हमारे लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ लोग तो यहां ही स्टे कर रहे होते हैं, दे आर मोर इजीली एक्सेसिबल, सो आप अगर हॉस्टल देखेंगे, इनफैक्ट लोग तो हॉस्टल की तस्वीरें लेने के लिए आते हैं, हॉस्टल की कंडीशन वैसी है। Both the boys and girls, it's very beautiful. मुझे नहीं लगता आज तक मैंने इस तरह का हॉस्टल किसी कॉलेज में देखा होगा। Honestly, honest experience. हमारे यहाँ dissection labs हैं, dissection के लिए bodies provide की जाती हैं, जो मतलब radio को दी जाती है। It's not like one body है और सारे batches उसी पे practice करें। It's not like that. So अगर आपको कोई एक बच्चा, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो extra knowledge चाहिए, उनके लिए भी lecturers available होते हैं, उनका सब देखने के लिए, if they are getting the things properly.